Welcome boys and girls, myself Munawar Hussain, as you know very well, and we are from Advanced Study. That I am telling you that we are going to studying exercise 9.2. I am writing here exercise 9.2, which is from NCERT book. जैसे कि आप लोग जानते हैं 9.1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है. आप उसे 9.1 को वहाँ से जाकर एक बार देख लीजिए. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ होने वाली है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो उसमें क्या है आप लोगों को देखना ज़रूरी है. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है आपके लिए. तो आइए इस क्वेश्चन 1 को देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी सी. इट मीन्स ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी. ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी, वेयर इज ए बी, ए बी इज हेयर, इट इज 16 सेंटीमीटर. ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई, दिस लाइन इज 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर सारी वैल्यूज दे रखी हैं आप लोगों को बच्चों. आपको ये बताना है कि यहाँ पर ए डी कितना है हमारे पास. ए डी यानी कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, वहाँ पर कुछ साइड्स के मेजरमेंट दे रखे हैं आप लोगों को. उन साइड्स के मेजरमेंट को यूज़ करते हुए आपको ए डी का बताना है कि ए डी का मेजरमेंट क्या होगा. नेक्स्ट, आप लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए, बहुत ईजी है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ज़रा देखिए इस पैरेललोग्राम में बेस क्या है, बेस तो डी सी है और हाइट, अगर मैं मानूं हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो हाइट क्या है यहाँ पर ए ई है, लेकिन बेस जो डी सी है मेरे पास क्या वो ए बी के बराबर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बेस को या ए बी दे दिया नाम और हाइट को ए ई दे दिया नाम. ठीक है, बेस क्या हो गया ए बी और हाइट यहाँ पर क्या हो गया ए ई, बेस इंटू हाइट. बेस जो उसके सामने साइड है यानी कि ए बी 16 है, ए ई की वैल्यू 8 है, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान रखिए एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर यूनिट में आता है, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लेते. नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वो आगे ना मैं अगेन यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि वो भी क्या होता है बेस इंटू हाइट. यहाँ पर अगर इस पैरेललोग्राम को देखा जाए, अब की बार बेस मानते हैं हम ए डी को. ठीक है, ये पैरेललोग्राम, इट मीन्स इस पैरेललोग्राम को हमने सीधा खड़ा कर दिया. ठीक है, तो ये बेस क्या हो जाएगा ए डी और यहाँ पर हाइट क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, हाइट होना चाहिए मेरे पास सी एफ, जहाँ से भी पॉइंट निकल कर आ रहा है सी एफ, देख लेना वो यहाँ पर सी एफ है. ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी इंटू सी एफ करा, सी एफ की वैल्यू 10 है. ठीक है, आप लोग जानते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 128 निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, तो मैंने 10 को यहाँ पर डिवाइड में पहुँचा दिया, ए डी की वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर. सो इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ बेसिक क्वेश्चन फॉर फुल एक्सरसाइज एंड दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ ई एफ जी एंड एच आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी. देखिए क्वेश्चन में फिगर नहीं है, आप लोगों को फिगर खुद ड्रॉ करना है. ई एफ जी एच क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, एक रेस्पेक्टिवली करकर है मिड पॉइंट्स, वो एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी के. चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी. ठीक है, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, नेमिंग आप कहीं से भी करिए लेकिन आप नेमिंग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देंगे. इसके बाद ई एफ जी एच क्या है, रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट से, यानी कि ए बी के लिए ई रहेगा, बी सी के लिए एफ मिड पॉइंट रहेगा, डी सी के लिए जी और इनके लिए ए डी के लिए एच पॉइंट रहेगा. ई एफ जी एच मिड पॉइंट से आपको शो करना है कि ई एफ जी एच जो बन रहा है, जो भी फिगर है, वो इस बात से नहीं कह रहा कि ये अंदर जो भी फिगर बन रहा है, कुछ भी फिगर बना है ई एफ जी एच को, और वो हाफ होगा पैरेललोग्राम पूरा ए बी सी डी के. देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप लोग सोच रहे हो यहाँ पर तो कोई वैल्यूज भी नहीं है, हम यहाँ पर हाफ कैसे कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम वी कैन प्रूव इट वेरी वेरी इजीली. ओके, ई एफ जी, फर्स्टली ज्वाइन दिस लाइन. ठीक है, एच और एफ को हमने ज्वाइन कर दिया. अब एक बात बताइए, अगर फुल पैरेललोग्राम है उसमें मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, क्या हाफ भी मेरे पास पैरेललोग्राम होगा?
बात नॉर्मल सी है, लेकिन हम लोगों को क्या करना होता है, एक प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि ये भी एक पैलोग्राम है, आइए प्रूफ कर दें। ठीक है, तो ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। देखिए एक बार मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ी सी कम यूज़ करूँगा लैंग्वेज, लेकिन आप लोग इस बार को ध्यान रखेंगे। ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, एच एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, H और F मिड पॉइंट है हमारे पास। तो ये बताइए मेरे पास DH किसके इक्वल हो जाएगा, DH इज इक्वल टू CF मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, DH किसके इक्वल हो गया, CF के। ठीक है, क्योंकि H और F क्या है, मिड पॉइंट है, तो इनका हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा। ठीक है, अब आप लोग जैसे कि जानते हैं ABCD एक पैलोग्राम था, तो AB पैलर किसके होगा, यहाँ बल्कि यहाँ लिख देते हैं, AB किसके पैलर होना चाहिए, ए बी, चलिए ए बी को नहीं ले रहे, ए डी को ले लेते हैं। ए डी किसके पैलर होगा, बी सी के। ए डी इज पैलर टू बी सी। ठीक है, अगर ए डी को मैं हाफ करता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी एच इज इक्वल टू सी एफ, और ए बी, ए डी का मैं हाफ करता हूँ तो वो क्या डी एच होगा, डी एच इज पैलर टू सी एफ। ठीक है, देखिए अब आपके पास शायद आपको थ्योरम ध्यान होगी, और अगर ध्यान नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे डी एच एफ सी क्या हो जाएगा, डी एच एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड। सिमिलरली मैं ये बात भी बोल सकता हूँ, ए बी एफ एच इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ए बी एफ एच इज ऑल्सो अ पैलोग्राम। ठीक है, पैलोग्राम कैसे प्रूफ करा हमने, साइड को हाफ कर दिया, साइड को हाफ कर दिया, ये साइड पूरी इसके पैलर है, ये दोनों साइड्स पैलर है हमारे पास, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैलर, देन इट इज अ पैलोग्राम। सिमिलरली हम इतना बड़ा प्रूफ दोबारा नहीं करने चाहते थे, हमने ऊपर वाले को तो पैलोग्राम प्रूफ करा और हमने नीचे वाले को भी पैलोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आपने इतना नोट कर लिया, ठीक है, बट यहाँ पर देखिए आपको एक बात सोचने वाली है, ये लाइन आप याद कर लीजिए, पूरे ही चैप्टर में आपको यूज़ करी जाएगी। ये जो ट्राइंगल है एच एफ जी, इट मीन्स ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम, इनके पास कोई सेम बेस है, सेम बेस दिख रहा है आपको कहाँ है, यहाँ पर सेम बेस एच एफ, ठीक है, सेम बेस है, और ये आपको ऐसा लगता है देखने में कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है एच एफ और डी सी, इट मीन्स ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हमने फोर्थ वाली थ्योरम बताई थी, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा बट ट्राइंगल एच जी एफ एंड पैरेललोग्राम डी एच एफ सी, डी एच एफ सी आर ऑन सेम बेस, यहां पर सेम बेस का नाम क्या होगा, क्या बताया हमने, एच एफ, एंड बिटवीन सेम पैलर्स सेम पैलर यहां पर क्या है भाई, एच एफ है और डी सी है, एच एफ एंड डी सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल का साइन हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया ऑफ एच जी एफ किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ एफ सी के, मैं पैरेललोग्राम भी हटा देता हूं यहां से, डी एच एफ सी। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मैं इतनी बड़ी थ्योरम दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन आप लिखना अगेन कर आप ये पूरी थ्योरम लिख देना, क्या नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये नीचे वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला पैरेललोग्राम, ये किसी सेम बेस पर है, नो, ए बी नहीं, यहाँ पर ए बी सेम बेस नहीं है, देखो एच एफ ही यहाँ पर सेम बेस है, क्योंकि ये ट्राइंगल है हमारे पास और ये पैरेललोग्राम है, इनके लिए सेम बेस ये है। ठीक है, ये सेम बेस है क्योंकि इस पर नहीं टिका हुआ है ट्राइंगल यहाँ से यहाँ पर टिका हुआ है, ये इसकी बेस होगी और पैरेललोग्राम के लिए भी यही बेस मानी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी एफ एच के इक्वल होगा, ए बी एफ एच। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई। तो आपको समझ में आया अभी तक हमने क्या करा, ट्राइंगल्स को सेम बेस पर लेकर उनका एरिया को हाफ हाफ बता दिया पैरेललोग्राम्स के। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये आपको ऐड करनी है। ऐड करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। यही तरीका है एडिशन करने का, दो इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका याद कर लीजिए, लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड। अब ये मत बोलना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है भाई, इक्वल के इधर की साइड। अंडरस्टूड? चलिए आइए ऐड करते हैं, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा शेडिंग को मैं, चलिए पूरा फिगर दोबारा बना देता हूँ। ये बन गया आपका पूरा फिगर दोबारा। ठीक है, अगेन आपका फिगर ड्रॉ कर दिया। अब चलिए हम एडिंग कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ HGF, शॉर्ट में एरिया को AR लिखते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ HEF ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 1/2 एरिया ऑफ DHFC, एरिया ऑफ DHFC प्लस 1/2 जगह कम है पर लिख देंगे एरिया ऑफ ABFH। ठीक है, ABFH और ठीक है DHFC। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ HGF ढूंढते कहाँ है, HGF ये है, ये आपके पास एक एरिया है। इसमें अगर हम ऐड कर दें एरिया ऑफ HEF एरिया ऐड कर दें, ये दोनों एरिया हमने फुल्ली ऐड कर दिए, तो अब हमारे पास कौन सा फिगर बना। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए फिगर क्या है, यहाँ पर क्या EFGH बन गया, EFGH दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करने के बाद एरिया बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं। अब देखिए अभी तो हम बात कर रहे थे कि दोनों ही ट्राइंगल्स को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ऐड होने के बाद ये क्या हुआ, एरिया ऑफ EFGH। अब देखिए यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया, देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, दोनों तरफ क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, एरिया ऑफ DHFC बचा प्लस एरिया ऑफ ABFH बचा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ EFGH लिखना काफ़ी पड़ता है इसमें बच्चों, 1/2 इन ब्रैकेट एरिया DHFC ढूंढते कहाँ है, DHFC ये है पूरा। ठीक है, DHFC मिल रहा है, देखिए सिर्फ एडिशन करने की बात है, एरिया को ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, ना कि इनके पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, AH और D मिला के AD बना, नहीं ये नहीं करना है, एरिया करना है हमें ऐड। DHFC का एरिया ऐड करा और ABFH का एरिया ऐड कर दें, ABFH का एरिया, तो ये रहा ABFH के लिए एरिया। तो इन दोनों एरियाज को मिलाने के बाद क्या आपके पास प्रिपेयर हो रहा है पूरा, ABCD हो रहा है, एरिया ऑफ ABCD। तो क्या ये प्रूफ हो चुका है, देखिए शायद ये प्रूफ हो चुका है आपके पास कि एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। लगता है कुछ लोग तो इसे देख के भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है। सो अब आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।